बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज श्री जवाहरदास साहेब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ उपस्थित हो रहे हैं। दिल्ली से हमारी मंजू जी सेठी, श्री गंगानगर से हमारी सुदेश जी, रमन जी, अशोक जी सिडाना, और हमारे संगीता जी भावसार, और हमारे श्री कृष्ण लाल जी प्रणामी जयपुर, हमारी हंसा बहन जी सूरत से, अरुण जी गीता जी भावसार कनाडा से, अलका जी कोटरीवाल, सुरक्षा जी खुराना जयपुर से, और हमारी सुभाष भाई साहब जी और जगदीश जी जयपुर से, रेणु परनामी जी करणपुर से, हमारे श्री नरेंद्र जी संतोष जी गुड़गांव से, और हमारी संतोष परनामी जी जयपुर से, शेफाली जी खेत्रपाल जयपुर से, सीमा जी तन्नू जी परनामी श्री गंगानगर से, किरण जी सेठी श्री गंगानगर से, हीना जी पटेल। आइए लाडले सुंदर साहब जी, हमारे मनी और साहिल मुकदसर से उपस्थित हो गए हैं। आइए लाडले सुंदर साहब जी, हम वंदना बोलें। श्री वंदो सती गुरु चरणी को करूं सो प्रेम प्रणाम, आशुभरण मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम, श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना, श्री तेज कुवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम, प्रथम लागू दौ चरण को धनी एना छुड़ायो छिन्न, लाक तली लालियेडिया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाऊं तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखुने तेरे मेरे जीव के यही जीवन, कदमों लाग करूं सेजदा पकड़ के दाओ पाई, हुकम करते हैं माशूक बीच आशिक के दिल आई, माशूक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशूक, ए हुक्मे इल्मे दृढ़ किया अजुरु क्यों ना होत टूक टूक, श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं बाहें ग्रहे की लाज, ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बलबैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े
चढ़े मन चित व्या कारज सरे, मन चित व्या कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साहब जी, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में शिवजी साहिब जी श्री बंगला जी दरबार से उठ के और रास मंडल में आके विराजमान हो गए हैं। आइए रास मंडल के अंदर अपने सुरता को लेके चलते हैं, क्योंकि शिवजी साहिब जी इस समय रास मंडल में सुंदर स्वरूप साक्षात निष्कलंक बुद्ध अवतार हक्की सूरत स्वामी श्री प्राणनाथ जी विराजमान हैं। आइए धनी जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए अपना भाव व्यक्त करते हैं। धाम से आए प्राणनाथ, नाथ को प्रणाम करो। धाम से आए प्राणनाथ, नाथ को प्रणाम करो। पन्ना में भी राजे प्राण नाथ, नाथ को प्रणाम करो। पन्ना में भी राजे प्राणनाथ, नाथ को प्रणाम करो। बार बार सजदा करो, मेहरों से झोली भरो। ओ बार बार सजदा करो, मेहरों से झोली भरो। पन्ना में भी राजे प्राणनाथ, नाथ को प्रणाम करो। बार बार सजदा करो, मेहरों से झोली भरो। घुम्मट में डेरा लगाया, मूल मिलावा बनाया। घुम्मट में डेरा लगाया, मूल मिलावा बनाया। जिसने है सर को झुकाया, शिरजी की रहमत वो पाया। जिसने है सर को झुकाया, शिरजी की रहमत वो पाया। बार बार सजदा करो, मेहरों से झोली भरो। ओ बार बार सजदा करो, मेहरों से झोली भरो। पन्ना में भी राजे प्राण नाथ, नाथ को प्रणाम करो। घुम्मट में भी राजे प्राणनाथ, नाथ को प्रणाम करो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साहब जी, आइए हम वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी उपस्थित हो गए हैं। दौतन तले कदम के आत्म पर आत्म, इनमें शक कछु ना रही। यो कहे हक इलम, यो कहे हक इलम। सिखाओ चलाओ बुलाओ, सो सब हाथ हुकम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साहब जी, महान बुद्धि के सागर आप महामति अक्षरातीत धाम दुल्हा श्री जी साहेब जी श्री इंद्रावती जी के स्वरूप में अपने प्रीतम से बात कर रही हैं, और वो सारी मीठी मीठी बातें श्री राजजी महाराज के दिल के भेद गुज रहस्य हैं, अपनी सारी सुहागिन आत्माओं को सिखा रही हैं, समझा रही हैं, बतला रही हैं। हम रूहों को भी अपने साथ इंटेलिजेंट, अपने साथ होशियार करना चाहती हैं, सारी आत्माओं को, है ना सुंदर साहब जी। तो श्री इंद्रावती जी ने कहा कि दो तन तले कदम, हमारे तो दोनों तन ही आपके चरणों के तले हैं, है ना।
भजन की लाइन में कहती है, अर्श से उतर आए हम चरणों तले दाओ तन, अर्श से उतर आए हम चरणों तले दाओ तन, एक बल एक बल पड़ा बीच में, ओ कब इसे हटाओगे, हम तो रूहे फरामोश हैं, हे आप ही जगाओगे, हम तो रूहे फरामोश हैं, हे आप ही जगाओगे, नींद का जो डाला पर्दा, ओ नींद का जो डाला पर्दा, ए कब इसे हटाओगे, हम तो रूहे फरामोश हैं, आप ही जगाओगे। है ना सुंदर साहब जी। श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती है, दौ तन तले कदम के आत्म पर आत्म, ए मेरे धाम के दुल्हा, हमारे दोनों तन पर आत्म वाला तन भी मुल मिलावे में बैठा है और इस तन को आप अर्श करके बैठे हो, तो हमारे दोनों तन आपके चरणों तले बैठे हैं, है ना। इतनी रक्षा जिसके प्रीतम कर रहे हो, इतना ध्यान जिसके धनी जी रख रहे हो, तो लाडले सुंदर साज जी इतना प्यार जिसका दुल्हा कर रहा हो कि पर आत्म वाले तन को तो मूल मिलावे में चरणों में बैठाया और इस फना के वजूद के अंदर, ये नासोती तन के अंदर, ये पांच तत्व वाले तन के अंदर हमारे धाम के धनी अर्श करके बैठ गए, है ना सुंदर साज जी। तो दोनों तन कहाँ हो गए, दोनों तन श्री राजजी महाराज के चरणों तले हैं। तो श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती है, इसमें तो हमें किसी प्रकार का कोई शक की नहीं है, इनमें शक कछु ना रही, यो कहे हकीलम, क्योंकि ये तो आपकी इस तारतम वाणी ने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों तन आपके मेरे चरणों तले हैं, है ना सुंदर साहब जी। बैठी चरण तले फिर भी जुदाई, ऐसी करी अंतराय, ऐसी करी अंतराय, बैठी चरण तले फिर भी जुदाई, ऐसी करी अंतराय, ऐसी करी अंतराय, आशायों पुजे अर्ज करूं पर कुछ भी कहा नहीं जाए, कुछ भी कहा नहीं जाए, हो बल बुद्ध उनकी हुक्म भी उनका, बल बुद्ध उनकी हुक्म भी उनका, आस भी उनसे रखना, धनी के सन्मुख रहना, पिया के सन्मुख रहना, धनी के सन्मुख रहना, संग लाए हैं संग ले जाएंगे, ईमान कायम रखना, धनी के सन्मुख रहना। श्री इंद्रावती जी कहती है, धनी जी आपके इलम ने, आपकी इस तारतम वाणी ने ये तो स्पष्ट कर दिया, हमारा डर ही अंदर से निकाल दिया कि हमारे दोनों तन आपके चरणों तले हैं। ये वाला जो तन है ना धनी जी, ये भी आपकी छत्र छाया में है,
और परात्म वाला तन तो मूल मिलावे के अंदर बैठा ही है। अब आगे बहुत ही आनंदकारी चौपाई है। सुंदर साथ जी आप सुनोगे ना प्रसन्न हो जाओगे। श्री इंद्रावती जी कहती है सिखाओ चलाओ बुलाओ सो सब हाथ हुक्म। श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती है कि तारतम ज्ञान के माध्यम से आप हमें ये ब्रह्म ज्ञान दो है ना, और इस वाणी के द्वारा मेरी रहनी बनाओ। ये वाणी चर्चा सुना सुना के आप मेरी रहनी बनाओ या आप मुझसे उपदेश कराओ है ना, ये सब कुछ आपके हुक्म के हाथ में है। किसके हाथ में है सुंदर साहब जी? आपके हुक्म के हाथ में है। हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले जो जानो त्यो करो खसम, है ना सुंदर साहब जी। श्री इंद्रावती जी कहती हैं भाई आपका ये तारतम ज्ञान से माध्यम से चाहे हमें वाणी चर्चा सुना के आप ज्ञान दो मतलब सिखाओ, और चलाओ मतलब इस वाणी के अनुसार आप हमारी रहनी बनाओ है ना, और या आप हमसे वाणी चर्चा करवाओ उपदेश दिलाओ सुंदर साथ को, है ना। सुंदर साथ को आप कुछ सुनाना चाहते हो तो आपकी मर्जी, ठीक है। सिखाओ चलाओ बुलाओ सो सब हाथ हुक्म, ये किसके हाथ में है? आपके हाथ में है, आपके हुक्म के हाथ में है, है ना। सो इल्मे बेशक करी और कहा कहूं खसम, ये बात तारतम ज्ञान ने स्पष्ट कर दी है। सब कुछ आपके आदेश के अधीन है वाला जी, इसके बाद मैं आपसे क्या कहूं आप बताओ। सब कुछ किसके हाथ में है? आपके हुक्म के हाथ में है। हमारे पास तो हमारा कुछ भी नहीं है, है ना धनी जी। अंतर माही बाहर की सब जानत हो तुम। इस तारतम वाणी की चर्चा ने, श्री इंद्रावती जी कहते इस वाणी ने मुझे निसंदेह बना दिया है। कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है कि हमारे मन और आत्मा के अंदर सब बातें आप जानते हो। चाहे हमारे मन की बातें हैं, चाहे हमारी आत्मा की बातें हैं, आप सब कुछ जानते हो, आपको सब कुछ पता है। आपको तो सब पता था, होगी रू से भूल, होगी रूहों से भूल। आप तो सब जानते हो, आपको हमारे मन की सारी बातें पता है, आपको हमारी आत्मा की सारी बातें पता है, क्योंकि तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, उस सायब से क्या छिपा है जिसके हाथ में अपने डोरी, है ना सुंदर साथ जी। तो श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती है देखो आपकी इस तारतम वाणी ने हमें निस्संदेह कर दिया है, हमें बेशक कर दिया है कि हमारे मन और आत्मा के अंदर की सारी बातें आप जानते हो। बात उठावे मन से पहुंचे सबे वतन, एक जरा छिपी ना रहे आगो इन खसम। वाला जी आपकी वाणी ने बताया कि आप अकेले में बैठे बैठे जो बातें सोच रही होती हो ना, चाहे बेड पे लेटी लेटी सोच रही हो, चाहे दोपहर के टाइम सोच रही हो, चाहे रात को लेटे लेटे कुछ सोचती हो, चाहे आप पाठ करते करते कोई बात सोच रही होती हो, तो वाला जी कहते कि वो ना सारी की सारी बातें, श्री इंद्रावती जी कहती हैं वो परमधाम में पहुंच जाती हैं, वो वाला जी के दिल में पहुंच जाती हैं। कितनी अच्छी बात है ना सुंदर साहब जी। हम जितना कुछ सोच रहे हैं ना दिन में, वो सारी बातें जैसे व्हाट्सएप से मैसेज जाते रहते हैं ना, वहां तो लिखना पड़ता है, थोड़ी उंगली चलानी पड़ती है ना सुंदर साहब जी, पर यहाँ पे लिखना भी नहीं पड़ता, उंगली भी नहीं चलानी पड़ती, सिर्फ हम सोचते हैं, है ना सुंदर साहब जी। तो जो हम सोचते हैं ना, हमारे दिल की सोची हुई बातें धनी उस व्हाट्सएप के मैसेज को हर पल पढ़ रहे हैं,
हमने लिखा नहीं, हमने जो दिल में सोचा ना वो सारी मैसेज धनी पल पल पड़े जा रही है कि अभी क्या सोचा, अभी क्या सोचा इसने, अभी इसके मन में क्या बात आई, ये रू क्या कह रही है मेरे बारे में, ये रू मेरे बारे में क्या सोच रही है ना। तो हमें तो सारा दिन सोचना किसके लिए चाहिए, सोचे भी तो क्या सोचे तुम्हारे सिवा, है ना। सोचना भी क्या है, धनी के अलावा क्या सोचना है, धनी के अलावा क्या कहना है, है ना। तो कहते हैं कि आपके इलम ने हमें बता दिया कि हमारे मन की बातें, हमारी आत्मा की बातें आप सब कुछ जानते हो, ठीक है। इलमे बेशक करी अब कहा कहूं खसम। श्री इंद्रावती जी ना इतनी चतुर हैं, अपने आप पे कोई बात नहीं आने देती, वो कहती हैं ए वाला जी आपके इलम ने, आपकी इस तारतम वाणी ने मुझे बेशक कर दिया, क्योंकि ये सारी तारतम वाणी आपके दिल से उतर के आई है ना वाला जी। जो आपके दिल से ये तारतम वाणी उतर के आई है इसने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। श्री इंद्रावती जी कोई भी बात अपने आप पे नहीं ले रही, वो कहती है ये बेशक किसने किया, आपकी तारतम वाणी ने। हम भी कह सकेंगे ना, मिली वाणी तो सुध आ गई है, तेरी साहिबी थी ना हमने जानी। ये वाणी मिली हमें सुध आई है ना सुंदर साज जी। तो कहती है ये तारतम वाणी की चर्चा जितने भी सुंदर साज सुन रहे हैं ना वो हर तरह से बेशक होते जा रहे हैं। कितनी प्यारी प्यारी बातें धनी के दिल के गुज रहस्य श्री इंद्रावती जी की आत्म हम सुंदर साथ को बता रही हैं, है ना सुंदर साथ जी। तो कहती हैं साथ आए मेला मिलसी सो सब हाथ हुकम। कहते सारे सुंदर साथ इकट्ठे होंगे तो मुझसे मिलेंगे, श्री इंद्रावती जी कहती हैं। क्या बात है ना सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी हमारा इंतजार कर रही हैं। श्री गुम्मट जी में 400 वर्ष से बैठ के हमारा इंतजार कर रही हैं। वाला जी से कह रही हैं कि साथ आए मेला मिलसी सो सब हाथ हुकम, सब सुंदर साथ एकत्रित होंगे ना और वो मुझसे मिलेंगे, ये सब आपके आदेश के अनुसार होगा। आप हुक्म करोगे तो ही तो रूहें जागेंगी, है ना। आप हुक्म करोगे तभी तो सारे सुंदर साथ इकट्ठे होंगे सो सब हाथ हुक्म। ये किसके हाथ में है वाला जी, आपके हुक्म के हाथ में है। आप सारी रूहों को जगाना चाहो है ना तो आप पल में जगा दो, आप पल में रूहों को इकट्ठा कर लो। ए शक इल्मे ना रखी अब कहा कहूं खसम। श्री इंद्रावती जी कहती है मेरे दिल में रंचक मात्र भी शंका नहीं है, आपके इलम ने मुझे पढ़ा दिया है अच्छे से, सिखा दिया है अच्छे से, अच्छे से इस इलम का ऐसा जानकार बना दिया ना, अब किसी बात के अंदर कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है, इस वाणी ने हमें बेशक कर दिया है वाला जी, है ना। ए शक इलमे ना रखी अब कहा कहूं खसम, वाला जी किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। श्री इंद्रावती जी कहती है मैं तो कहती हूँ जो दिल से जगाते तो जाग ही जाते, बुलाते जो दिल से तो दौड़े ही आते, जो दिल से जगाते तो जाग ही जाते, बुलाते जो दिल से तो दौड़े ही आते, तेरे हुक्म बिन न सोए न जागे, तेरी ये माया है तुझसे ही भागे, तेरे हुक्म बिन न सोए न जागे, तेरी ये माया है तुझसे ही भागे, हल्का हल्का हमको जगाना फिर से मीठी बातें सुनाना, श्री राज
माया से अब छुड़ाना, श्री राज माया से अब छुड़ाना, पिया हमको निज घर ले जाना, ओ पिया हमको निज घर ले जाना, श्री राज माया से अब छुड़ाना, श्री राज माया से अब छुड़ाना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, हमारा समय हो चुका है। आप जो भी सुंदर साथ वाणी चर्चा का सारांश लिख रहे हैं ना सुंदर साथ जी, वो डायरेक्ट आप फेसबुक पे डाल दिया करो, ठीक है। डायरेक्ट फेसबुक पे डालोगे ना तो वो आपकी लिखी हुई वाणी चर्चा सब तक तुरंत पहुंच जाएगी, ठीक है। मुझे ऐड कर लेना साथ में, है ना। तो लाडले सुंदर साथ जी, हमारे संतोष जी, नरेंद्र जी ने भी बहुत अच्छे अपने भाव व्यक्त किए, वाणी चर्चा का सारांश लिखा। हमारी विशु जी और भी हमारे बहुत सारे सुंदर साथ, तो सभी सुंदर साथ को सदगुरु महाराज जी की तरफ से, धामधनी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। समस्त सुंदर साथ जी, आइए हम चौपाई दोहराएं। साथ आए मेला मिल सी, सो सब हाथ हुकम, एसक इल्मे ना रखी, अब कहा कहूं खसम, अब कहा कहूं खसम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ जी, आप वाणी चर्चा को नियम से नित्य प्रति शेयर करने की सेवा चूकना मत, भूलना मत, ठीक है। तभी होगा पसरसी चौधरी भवन। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज श्री ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। तीनों पुरी धाम की जय। आज के आनंद की जय। प्रणाम जी।